फैमिली वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल पे आप सभी को स्वागत है। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आप लोग कैसे, उम्मीद करते आप लोग बढ़िया होंगे। फ्रेंड्स तो आप लोग सोचते होंगे कि हम इतना सुबह में रेडी के सुबह सुबह तो नहीं है, एक्चुअली 10 बज रहा है, मतलब 10 बजने जा रहे हैं, 10 बजा नहीं है। तो अभी हम जा रहे हैं हॉस्पिटल की ओर, ये देख सकते हैं, एक में अल्ट्रासाउंड का रिपोर्ट है और दूसरा में मेरे कागज़ वगैरह का, वही आंगनबाड़ी का वहाँ का, फिर पहले जो अल्ट्रासाउंड कराया था वो सबका कागज़ वगैरह सब है, तो इसको भी लेके जा रहे हैं। बाद में आधार कार्ड वगैरह सब सब लेके जाना पड़ता है, फ्रेंड अपने पता है। तो आज देख रहे मौसम भी इतना अच्छा किया है, दो तीन दिन तो ठंडा ठंडा मौसम था, आज इतना खतरनाक धूप दिया है कि क्या बोलिएगा कि आदमी जल जाएगा, इतना खतरनाक धूप तरफ नहीं मार रहा है। तो चलो आप लोग बने रहो, तो हॉस्पिटल में क्या होगा नहीं होगा वो सब आप लोग बताते रहेंगे, तो आप लोग देखते रहो फ्रेंड। अभी हम ऑटो से उतर करके फिर हॉस्पिटल की तरफ जा रहे फ्रेंड, पता नहीं और क्या क्या सब बोलेगा, लाइन लगने बोलेगा कि बिना लाइन लगे हो, लेकिन देरी तो होगा आज तो लग रहा है, लेकिन हॉस्पिटल थोड़ा सा खाली है लेकिन लाइन तो भीड़ है भाई। तो चलो हाँ देख सकते हैं कि शुरुआत में इतना भीड़ है आदमी लोगों का, तो क्या भीड़ है, चलो फटाफट जाते हैं। बस यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, तो ब्लड टेस्ट का रिपोर्ट लेने के लिए इतना कोई भीड़ और यहाँ पे मतलब ब्लड टेस्ट कराने के लिए भी भीड़ है, तो रिपोर्ट लेने के लिए खड़ी है। तो चलो थोड़ा देरी के बाद ही मिलेगा बोला रिपोर्ट ऐसे। डेट चढ़ाई हो? हाँ ठीक है, कराओ ब्लड अरेंज करना होगा, कैसे अरेंज करना वो सब सब बताएगी, लेबर रूम में है ना, एक बॉटल खून चढ़ाओ बाहर जाना है ना, खून कम होगा तो ही इसके लिए प्रॉब्लम बचा जाएगा। हाँ ठीक है, तो लेबर रूम में रूम नंबर 30 ऊपर में वहाँ जाओ, इसको दिखाओ, बात कर लो, अभी तुरंत भर्ती होगी कि शाम तक ठीक है मैम। फैमिली तो हम लोग घर आ गए, घर आने का बाद जो नहा वो लिया, नाश्ता भी हम लोग कर लिए थे और उसका बाद डॉक्टर को रिपोर्ट वगैरह हमने दिखाया लाइन में लग करके, आज ज़्यादा देरी तक लाइन नहीं लगे क्योंकि वहाँ पे एक मेरी दीदी मिल गई थी जो मुझे यूट्यूब में देखते वीडियो, वो दीदी मिल गई थी, तो उसके वजह से हम जल्दी से डॉक्टर से मिल लिए। तो डॉक्टर रिपोर्ट देख कर बोला कि हमको एडमिट होने के लिए, क्योंकि एडमिट होने के लिए इसलिए बोला फ्रेंड्स क्योंकि मेरे अंदर में खून का कमी हो गया है, तो बोला कि खून तुमको चढ़ाना होगा, आज ही चढ़ाना होगा फ्रेंड। तो दीदी लोग 3 बजे मतलब कि बुलाया डॉक्टर, ये बोला कि एडमिट होने के लिए 3 बजे आ जाना मेरे को बोला, तो 3 बजे जाएंगे फ्रेंड। तो जीजा भी गए हैं स्कूल बच्चा लोगों को लेने के लिए, स्कूल बच्चा लोग अपना अपना घर छोड़ देंगे स्कूल बच्चे लोगों को, और उसके बाद फिर जीजा आके तो फिर खून का पता लगाने जाएगा, तो खून का पता लगाने के बाद है फ्रेंड तो वहाँ पर हम जाकर एडमिट होंगे, भर्ती होंगे, मेरा खून चढ़ेगा, तो आप लोग जरूर देखेगा, भगवान से दुआ कीजिए फ्रेंड्स कि कुछ हो नहीं ऐसे वो अगड़ बगड़ा बोल कर फ्रेंड, क्योंकि मतलब मुझे कुछ हो हमको उससे कोई मतलब नहीं है फ्रेंड, लेकिन मेरे बेबी को नहीं होना चाहिए फ्रेंड, मैं बेबी सही सलामत रहे, मेरे को कुछ भी हो जाए उससे कोई दिक्कत नहीं है फ्रेंड, बस मैं बेबी के लिए दुआ कीजिए कि मैं बेबी सही सलामत हो जाए फ्रेंड, मतलब अभी तो टाइम नहीं होने का लेकिन फिर भी बोल रहे उसको कुछ होना नहीं चाहिए फ्रेंड, मेरे को भी होगा तो कोई कोई दिक्कत नहीं। तो मैं भाई देखे तमृत लेकर आया, तो बहुत सारा हो गया वही फ्रेंड्स आप लोगों को बताना था फ्रेंड, पूजा दीदी आते साथ हम लोग मतलब हाँ मैं पूजा दीदी नहा लिए और सब पूजा दीदी ना किचन में लग गए खाना सब्जी बना दिए, तो क्या क्या बना लिया आप लोगों को पता चल जाएगा, और आज पूजा दीदी मेरे साथ रुकेगी हॉस्पिटल में ना दीदी। यस बेबी क्या बना रहे? घुगनी, कल मटर सी जा रहे थे, घुगनी बनाएंगे, वही वाले घुगनी बना रहे हैं, आज चावल बनाएंगे, देखते कुछ सब्जी करेंगे। और आप लोग हम रिपोर्ट दिखाएंगे फ्रेंड ठीक है, तो अभी हम जाते हैं, दीदी झाड़ू कर ली थी तो हम थोड़ा पोछा लगा लेते हैं ठीक है फ्रेंड, और जैसे जैसे होगा हम आप लोगों को बताएंगे फ्रेंड, तो आप लोग प्लीज़ हमने तो देख सकते ये रहा मेरा रिपोर्ट, और जो हम गए थे दीदी और हम जितना लंबा लाइन लगने में बस ये वाला कागज़ बनाने में इतना लंबा लाइन लग गया था फ्रेंड दो दो जगह में, पहले तो दीदी वहाँ पे ये वाला कागज़ बनाने में लाइन में लगी थी, दूसरा बार फिर मेरे को चेकअप कराने अंदर घुसना था तब लाइन लग गया था इतना लंबा, तो ये एक दिन में कंप्लीट हुआ। तो इसमें देख सकते क्या क्या लिखा हुआ है,
मैं तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो ये रहा ठहसन। और यहाँ पे फिर डॉक्टर लिख कर दिया था, देख रहे एडमिट होने के लिए बोला है क्योंकि ब्लड कम है मेरा, मैं बोल करके एडमिट होने के लिए बोला। तो खून का तो ये नहीं हुआ बोल करके फ्रेंड, क्या बोलते हैं खून इतना जल्दी तो मिलता नहीं है ना फ्रेंड, इस वजह से खून तो चढ़ाया नहीं। तो लेकिन देखते हैं अगर खून मिल जाएगा तो चढ़ा लेंगे फ्रेंड। तो ये देख सकते आप लोगों को दिखा दे फ्रेंड, तो आप लोगों को समझ में आया तो आप लोग कमेंट के जरूर बताएगा, मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आया। ये रहा चावल राइस, आलू दम मटर का भुनी, दूसरे फ्रेंड्स खाते फटाफट राइस खाना। ए YouTube फैमिली, तो हम पूजा दीदी का दीदी घर तरफ है और बाहर में बैठे हुए क्योंकि हवा नहीं चल रहा था, गर्मी गर्मी लग रहा था इसलिए। तो पूजा दीदी का मम्मी बना रही है मेरे लिए स्पेशली डोसा, सिंपल डोसा बना रही है, तो हम बाहर में बैठ के इंतजार कर। तो फैमिली यहाँ पर डोसा बनाने के लिए चावल दीदी का मम्मी दी थी पीसने के लिए, तो पीस कर काट चुका चावल। और यहाँ पर रोटी भी पूजा दीदी का दीदी बनाई थी रोटी, और मेरे को दे रही थी रोटी खाने, तो हम बोले कि नहीं हम घर जाकर जाके। यहाँ पर तो सांभर तो रेडी हो चुका था, देख सकते सांभर टेस्टी टेस्टी यमी यमी लग रहा है। अब वो सिंपल में बनाई थी मार बोटी फ्रेंड्स, ये रहा चटनी जो सांभर चटनी मिलता है, वो चटनी था मेरे को मिला। डोसा रहा, ये रहा डोसा और ये रहा चटनी। तो सांभर दीदी लला रही है, तो यहाँ पे दीदी का मम्मी पापा बहन लोग सब कोई बैठा, मेरा भाई भी बैठा। ये रहा फ्रेंड्स सांभर भी मिल गया हमको, तो चलो खा खा। डॉक्टर जो बोले थे ब्लड चढ़ाने के लिए दीदी को मेरे ऊपर में, तो इसलिए दीदी भी और जीजा भी ब्लड का जुगाड़ कर रहे हैं कि ब्लड मिल जाएगा तो चढ़ाएगा, तो सोमवार हो आएगा तब जाके पता चलेगा फ्रेंड्स कि क्या होगा कैसे होगा बोल करके। फ्रेंड्स आप लोग जब तक ब्लॉग पे बने रहना फ्रेंड्स, और ब्लॉग को शेयर करो, लाइक करो और कमेंट करिए फ्रेंड, ढेर सारे प्यार दीजिए फ्रेंड। और पता नहीं फ्रेंड खून कैसे कमी हो गया बोल करके पता ही नहीं चल रहा फ्रेंड, क्योंकि हम इतना अच्छा अपना सेहत का ख्याल रख रहे फिर भी जो है कमी हो ही गया फ्रेंड, जिसका मतलब मैं जिसके लिए मैं इतना चिंता कर रही थी डर रही थी वही हुआ फिर का। और हम सोचे थे कि ब्लड कहीं मांगे नहीं डॉक्टर चढ़ाने के लिए, लेकिन वही हुआ फ्रेंड मेरे साथ में, पता जो मन में सोचा था वही हुआ फ्रेंड। और आप लोग तो पता है कि मैं दो तीन दिन से पैर में भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा, दर्द से परेशान है। तो फिर दीदी तेल लेके खाए थे डॉक्टर यहाँ से, तो फ्लू वाला तेल लगा दी थी, तो दो तीन तो बहुत आराम मिला था फ्रेंड। तो आप लोग बताना फ्रेंड क्या होगा कैसे होगा, मेरा तो बिल्कुल भी पता नहीं, मेरे को तो समझ में नहीं आ रहा कि क्या करें। तो आप लोग तो देख लिए फ्रेंड, आप लोगों को सब कुछ दिखा दिया, आई होप कि आप लोगों को समझ में आएगा और आप लोग समझिएगा। तो आज का ब्लॉग यहीं पर रखते फ्रेंड।